गीता देवी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दाता साहब, पूनिया जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबने यहाँ पर स्कूल के इस कार्यक्रम में हमारा स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज का दौरा आपकी पंचायतों में, आपके गाँव में, आप सब लोगों से मिलने का भी आग्रह, क्षेत्र में जो विकास के काम हुए हैं, जो नहीं हुए, क्या क्या समस्याएं आपने अभी मुझे बताया कि स्कूल में 8-9 पद खाली पड़े। मेरी जानकारी में था कि जो निदेशालय है, वहाँ मैंने पहले भी कहा था, 1-2 महीने पहले मुझे कहा गया कि पद भर दिए जाएंगे, लेकिन 8-9 पद खाली पड़े। मैं समझता हूँ ये होना नहीं चाहिए। स्कूलों में पद हैं, मास्टर टीचर अगर पूरे नहीं होंगे, बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा हम देना चाहते हैं नहीं दे पाए। स्कूलों के अंदर कमरों का निर्माण हम कर सकते हैं, संसाधन दे सकते हैं, लेकिन पढ़ाने वाले जो मास्टर टीचर हैं उनकी संख्या पूरी होनी चाहिए, और जो पद खाली पड़े हैं उनको तुरंत भरने के लिए जो कुछ मुझसे संभव होगा तुरंत जयपुर जाकर उनके पदों को भरने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं हर जगह बोलता हूँ कि हमारे क्षेत्रों में, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, प्रधान हो, प्रमुख हो, सांसद हो, विधायक हो, हम सबकी कोशिश होती है कि क्षेत्र का विकास हो। उसके लिए हम सब पैसा भी देते हैं, बजट भी देते हैं, सड़क का निर्माण हो, नाले का निर्माण हो, स्कूल, चिकित्सा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। जिस क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में अच्छे स्कूल बन जाते हैं, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। गाँव के अंदर बच्चों के साथ साथ बच्चियों का पढ़ना धीरे धीरे इसमें इजाफा हो रहा है। आज से 20 साल पहले बहुत कम बच्चियां 8वीं-10वीं तक पहुंचती थी, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे क्षेत्र में भी अब बच्चियों में पढ़ाई का एक जागरूकता पैदा हुई है, और लोग बच्चे बच्चियां स्कूल में जाकर अच्छी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। उस शिक्षा को संपूर्ण कर कर उनको आगे उच्च शिक्षा मिले, कॉलेज में लोग जाए, यूनिवर्सिटी में लोग जाए, कॉलेज शहरों में खुले, उससे पूरे इलाके का विकास में समझता होता है। मेरी कोशिश रही है क्षेत्र में 4-4.5 सालों में हम सबको साथ लेकर चले। छोटा मोटा मन मुटाव काम पंचायत में हर जगह होता है। एक पंचायत में आप दो प्रोग्राम कराओ, तीन कराओ, चार कराओ, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी रहती है कि सब लोगों का जितना हो सके उनको साथ लेकर चले, जितना साधन कम भी हो लेकिन लोगों तक पहुंचे, ये मेरी कोशिश रहती है। इस पंचायत में, इस गांव में मुझे बहुत सारे मांग मांगती है, लेकिन सबसे पहले स्कूलों की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, और जो खाली पद पड़े हैं उनको बनाने का हम काम करेंगे। मुझे बताया कि यहाँ पर सड़कों के निर्माण के लिए सरपंच साहब ने मुझे 5-4 आवेदन लेकर दिए हैं। अल्लाह बल्ला लोहार के मकान से कैलाश स्वामी के मकान तक सीसी रोड काम में लेकर दिया सरपंच साहब ने, उसके लिए 10 लाख रुपए का उन्होंने मुझसे आवेदन किया। वो 10 लाख रुपए विधायक कोशिश करूंगा। बद्री दरोगा के मकान से मीना गुजर मोहल्ले आंगनबाड़ी वाली केंद्र की ओर आपने इसका भी अनुमान 10 लाख रुपए लगता है, तो 10 लाख पहली सड़क के लिए, 10 लाख दूसरी सड़क के लिए, और भी और प्रोग्रामों के, तो और भी पैसा देने को तैयार है। लेकिन मैं चाहता हूँ पैसे का सदुपयोग हो, और जो संसाधन है, जो कोष होता है वो सीमित होता है। मेरी कोशिश रहती है कि गांव में जाकर लोगों से पूछे, क्योंकि जयपुर बैठे बैठे गांव में हमें 2-4 लोग आके बता दे कि साहब ये काम कराना है, उससे बेहतर है लोगों के बीच में जाकर उनसे पूछ कर, सुनकर, सारी बातें सुनकर प्राथमिकता के आधार पर गांवों को हम लोग करें। मेरा आपसे निवेदन है साथियों, इस साल चुनाव भी आने वाले हैं, और जितना हो सका हमारी पंचायतों के अंदर हम लोगों ने लोगों से सीधा संपर्क जोड़ने की कोशिश की है, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ तक मेरा कार्यकाल रहा, यहाँ कोई भी व्यक्ति या कोई लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरे क्षेत्र की पंचायत की है। ठीक है, काम कराने के लिए संगठन के जानकार जो हमारे कार्यकर्ता है गांव पंचायत में उनसे हम काम कराते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लोगों से, साथ नागरिकों से, मतदाताओं से एक संवाद कायम किया है। एक अपनापन जो आप लोगों ने बनाया है वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है, और उसी को लेकर मैं आश्वस्त हूँ कि आप लोगों का जो अब तक का मुझे स्नेह और आशीर्वाद मिला है वो मिलता रहेगा, और मैं भी प्रोफेसर छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन आपके लिए हमेशा हम लोग पहले भी काम करते आए हैं 4 सालों में, अब चंद महीने बचे चुनाव होंगे, अब और दुगनी गति से जो काम रह गए हैं आप लोगों के, अभी मुझे बताया कि नाला बांध वगैरह में यहाँ पर आप
हालत खराब, उसके लिए भी आप दिखवा लो उसमें, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी हम पैसे का इंतजाम भी कर देंगे, लेकिन मरम्मत हो जाएगी, जाएगी लोगों को, इलाके के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, उसका एस्टिमेट आप बना लीजिए, मरम्मत के लिए जो पैसा चाहिए होगा उस पैसे का इंतजाम करा देंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यातायात सड़क के साधन उपलब्ध कराएं, आप लोगों को यहाँ के बच्चों को आने के आगे बढ़ने के लिए करते रहे, इस कोशिश के साथ काम के लिए लगा हूँ, और आप लोगों ने पूरी पंचायत पूरे 6-7 गाँव के लोगों ने हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद दिया, हर समय दिया, आपके पहले दिया, आपके दौरान दिया, आपके बाद भी दिया, उसका मैं कायल हूँ, 36 गाँव के लोग, हर बिरादरी के लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला, ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है, भविष्य भविष्य आप अपना स्नेह बना के रखें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम राम।